कैसीफाई की तरफ से जो फोन ऑर्डर किया था वो डब्बा रिसीव हो गया है। रहा नहीं जाता तड़प। इस हाल में मुझे ये डब्बा मिला है, कैसा रिसीव हुआ है, तो चलिए इसको फटाफट अनबॉक्सिंग कर लिया जाए। चलो भाई देखो अपने। दोस्तों ये है हमारा आईफोन 13 प्रो जो कि आ चुका है कैसीफाई की तरफ से, और वो जो पैक करके आया था उसको चीर फाड़ करके मैंने निकाल दिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कैसा लिख करके दिया है, ये स्केच पेन से लिख करके दिया है आईफोन 13 प्रो। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये 256 GB वाला वेरियंट मैंने मंगाया है और देखते हैं कि ये कैसा आता है इस कंडीशन में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वैसे ही पैक किया है जैसे कि कैसीफाई कर रहा था। तो चलिए इसके जो बाकी ऐड किया है कैसीफाई अपना रिपेयर वगैरह इतना ऑफ हो जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं, इसको साइड करते हैं और मेन हम लोग जो इसके एक्सेसरीज है उसको देख लेते हैं। तो चलिए एक्सेसरीज की तरफ आते हैं। और ये है केबल इसका, और ये हमेशा की तरह बिल्कुल डुप्लीकेट दिया है। इसके चार्जर भाई को भी देख लिया जाए कि ये कैसा है, ये कैसा दिया है चार्जर भाई। ये भी डुप्लीकेट ही है जैसा कि हमेशा देता है कैसीफाई। तो ओरिजिनल की उम्मीद सिर्फ फोन से ही रख सकते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये सब एक्सेसरीज आपको सेकेंडरी चीजें देगी। तो अब चलिए मेन फोन की तरफ चलते हैं और इस फोन को देख लिया जाए कि ये कैसा मुझे 256 GB का आईफोन 13 प्रो मिला है। और ये जो कलर है मैंने स्पेशली मंगाया है, इस कलर में बहुत कमाल का लगता है जैसा कि आप देख रहे हैं। आहा, क्या बात है, ये तो बहुत कमाल का बहुत शानदार कंडीशन में रखा हुआ है ये आईफोन 13 प्रो। और देख रहे हैं इसकी जो VIP और स्टीलनेस है वो कितना कमाल का लग रहा है। इसका कैमरा बम्प वगैरह जो उठा हुआ है कमाल का है, बिल्कुल ओरिजिनल ही पीस मुझे मिला है। बहुत ही ध्यान से मैं दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, आप देख रहे हैं कि कोई डेंट नहीं है, और डेंट का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि चारों तरफ स्टील से बना है। बस कुछ फिंगरप्रिंट का निशान आपको दिख रहा होगा जो कि आपको दिखेगा ही, इसमें निशान बहुत जल्दी दिख जाते हैं। और बाकी बैक वगैरह बिल्कुल कमाल का है, और फ्रंट वगैरह बिल्कुल अच्छा ही है, कोई चेंज नहीं लग रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल। चलिए इसको बूट कर लेते हैं, और बूट करने के बाद इसके फंक्शन वगैरह, बैटरी हेल्थ, ये सब कैमरा टेस्ट करके देखेंगे बाकी सारी चीज़ें कि चल रही है कि नहीं। बूट हो जाए तब तक इसके कैमरा की बात कर लिया जाए, तो 12-12 मेगापिक्सल के 3 कैमरे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके जो पोर्ट्स हैं अच्छे हैं, वो स्क्रैच वगैरह नहीं दिख रहे हैं, अच्छे से यूज किया गया है, बाकी सारे बटन्स काम कर रहे हैं और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो पीस मुझे मिला है बहुत ही हिफाजत से कोई यूज किया है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। और आपको कैसीफाई से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आई बटन में भी मैं दे दूंगा बहुत सारे फोन का अनबॉक्सिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इस कलर में तो कमाल का लुक नहीं रहा है, और ये ऑन हो चुका है। और दोस्तों इसका जो 120Hz का रिफ्रेश रेट है कमाल का है, स्क्रॉलिंग में बहुत मजा आता है। प्रो मॉडल्स का यही तो फायदा है, इसका ट्रू टोन वगैरह भी काम कर रहा है, और डिस्प्ले भी बिल्कुल ओरिजिनल ही है। और इसके जो फ्लैश लाइट है उसको देख लेते हैं, ये भी काम कर रहा है। तो दोस्तों ये सब तो काम कर ही रहा है, चलिए उस चीज का भी टेस्ट कर लिया जाए जिसका आप लोग सब इंतजार करते हैं, वो है बैटरी हेल्थ। चलिए इसके बैटरी हेल्थ की तरफ जाया जाए कि कितना बैटरी हेल्थ मुझे मिला है। तो चलिए इसको यहाँ से बैटरी हेल्थ चार्जिंग पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, और यहाँ से इसके बैटरी हेल्थ का पता चल ही जाएगा। तो 87% जैसा कि आप देख रहे हैं, यानी कि मुझे ओरिजिनल ही बैटरी मिला, बूस्टेड नहीं है, यानी कि ये खोला नहीं गया है। और दोस्तों इस फोन का अगर आपको रिव्यू वीडियो चाहिए आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ, तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट्स कर दीजिए, और कोई फोन का आपको अनबॉक्सिंग चाहिए वो भी कमेंट्स कर दीजिए, मैं लेकर के आ जाऊंगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो बाकी डिस्प्ले वगैरह बिल्कुल स्क्रॉलिंग वगैरह सारा कुछ काम कर रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रो सीरीज है तो प्रो जैसा काम भी कर रहा है। इसका स्क्रॉलिंग वगैरह देख रहे हैं कितना फास्ट है, बहुत ही मजा आता है। एक बार अगर आप आईफोन का 120 यूज कर लीजिएगा ना, तो आपको आईफोन का नॉन प्रो मॉडल्स है ना वो बिल्कुल आपको धीमा लगेगा, उसकी स्क्रॉलनेस आपको पसंद नहीं आएगी, 60Hz अच्छा नहीं फील होगा। आप जैसा कि देख रहे हैं 256 GB ये सारा डिटेल आपको दिखा गया है। तो दोस्तों चलिए कैमरा वाला सेक्शन में सेंध लगा करके इसको चेक कर लेते हैं कि इसके सारे फंक्शन काम कर रहे हैं कि नहीं। तो जैसा कि देख रहे हैं हमेशा होता है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि आईफोन से कोई रिफर्बिश्ड फोन वगैरह मंगाया और काम नहीं कर रहा है, सारा चेकअप रहता है, सारा वर्क कर रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं मुझे देखने को मिला। इसके साथ कोई स्क्रैच डेंट नहीं है, और स्टीलनेस स्टील वाला जो बॉडी है बिल्कुल कमाल का, स्क्रीनशॉट वगैरह भी सब वर्क कर रहा है, वर्किंग कंडीशन है। और ये बिल्कुल सारे बटन्स भी काम कर रहे हैं स्मूथली, जैसा कि टैक्टाइल होते हैं वैसा काम कर ही रहा है। तो ये आईफोन 13 प्रो मुझे अच्छी डील लगी कैसीफाई की तरफ से इतना प्राइस रेंज में। दोस्तों अगर आप कोई फ़ोन लेना चाहते हैं रिफर्बिश्ड या कैसीफाई जैसे साइट से, तो आपको कोई सवाल है इस रिगार्डिंग तो आप जरूर से कमेंट्स कीजिए। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार, और वीडियो अच्छे लगते हैं वीडियो लाइक जरूर कीजिए, एक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों मैं इसे एज ए प्राइमरी डिवाइस अभी यूज कर रहा हूँ, और आपको रिव्यू वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
इसके साथ ही साथ आपको कुल मिलाकर के डब्बे में क्या क्या मिलता है वो भी एक साथ मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो प्रचार प्रसार का कागज वगैरह है वो है, चार्जर केबल है ही, और ये आपका जो आईफोन है वो एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं।